गजानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी सब जगत में भगवान समाया है सब में वह तो वंदन करते रहना चाहिए। भगवत प्रेमियों वंदन करना भगवान की भक्ति में ही आता है, वंदना भगवान की भक्ति ही है। अब इधर क्या होता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तीनों प्रकार के ताप को दूर करते हैं भगवान श्याम सुंदर। आगे एक समय की बात है, शनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं और शनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाते सुनाते क्या प्रसंग सुनाया कि शनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे ऋषियों एक हम तुम्हें प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग वो ये है कि नारद जी ने हमें बताया कि एक समय की बात है, नारद जी महाराज इस पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए और नारद जी ने क्या देखा, सेतु बंद में गए, केदारनाथ में गए, श्रृंगवेरपुर में गए, काशी में गए, दुनिया में घूमे नारद जी महाराज। और जब वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री जवान है और वा के पास में दो बालक पड़े हुए हैं, बालक बूढ़े हैं। अब वो स्त्री जो है नारद जी से बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंताम पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उस स्त्री ने कहा, अरे नारद जी रुको, देखो मेरे जीवन में बड़ी भारी एक विषमता आ गई है। उत्पन्ना द्रवण देशे, मैं द्रवण देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कभी क्षीण हुई कभी बढ़ी, और जब से मैं वृंदावन में आई हूँ मेरे बेटा तो जवान होने चाहिए थे, वो बूढ़े हो गए और मुझे बूढ़ा होना चाहिए था, मैं जवान हो गई, ऐसा उल्टा काम हो गया है। तो नारद जी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। तो नारद जी ने बड़ी बड़ी कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नारद जी बद्रकाश्रम में आए और उन्होंने शनकादिक ऋषियों से कहा कि हे शनकादिक ऋषियों, वृंदावन में एक भक्ति नाम की महारानी है महिला, वो बेचारी जवान हो गई और बालक हो गए बूढ़े, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये विषमता उनकी दूर हो जाए। तो शनकादिक ऋषियों ने कहा, देखो उनके भले के लिए हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पर कथा का आयोजन करवाओ। तो भगवत प्रेमियों आज नारद जी ने उन शनकादिक ऋषियों से, शनकादिक ऋषि कौन है, सनक सनंदन सनातन और कुमार, ये चार हैं ऋषि, इनको लेकर के आनंद नाम के घाट हरिद्वार पर आए और कथा के आयोजन की तैयारी कराई। तो शनकादिक ऋषियों ने जब कथा प्रारंभ करनी चाही तो कथा से पहले उन्होंने बताया कि देखो श्रोताओं कथा की व्यवस्था करनी चाहिए, कथा का निमंत्रण भी देना चाहिए, कथा सुनने वाले को कुछ नियम करने चाहिए। पहले जमाने में लोग घी पी करके रह जाते थे, अब घी पियेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, किसी किसी पे तो दूध भी नहीं झिलता है। अगर घी से काम ना चले दूध पियो खाली, दूध से भी काम ना चले तो फल भी खा लो, फल के बावजूद भी चैन न मिले तो चलो एक टाइम भोजन कर लो, और एक टाइम भी भोजन ना करे तो छह बार भोजन करो, लेकिन कथा छूटनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कथा के समय में क्रोध नहीं करना चाहिए, 7 दिन की कथा है तो क्रोध ना करे, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, गुस्सा आई और पुण्य खत्म, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति न होए,
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। भगवत प्रेमियों, सनकादिक ऋषि सावधान करते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पाप की जड़ है, पुण्य खत्म हो जाते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करें और धरती पर सोए, बाल और नाखून ना काटे। अब वक्ता नियम बेचारे, श्रोता नियम, ना श्रोता कर रहे ना वक्ता कर रहे। वक्ता रोज दाढ़ी बना बना करके चिकने गाल करके बैठते हैं कथा करने के लिए, जैसे बरात में आए। ये नियम है, ना तेल लगावे ना साबुन लगावे और ना बाल काटे ना नाखून काटे और पृथ्वी पर सोवे। कथा का नियम क्या है? कथा ऐसे समय पे होनी चाहिए कि उस समय ना तिथि कम हो रही हो ना तिथि बढ़ रही हो। अब तो क्या है, तिथियों को भूल गए, तारीख बाय तारीख चल रहे हैं, कोई नियम नहीं कथा के। तारीख यहाँ खत्म भई, कल वहां से चालू हो गई, वहां समापन भई, परसों वहां चली गई, यानी रात दिन कथाएं चल रही है, कोई नियम नहीं। सनकादिक ऋषियों ने भागवत के नियम बनाए, जमीन पर सोवे और किसी की निंदा ना करे। निंदा करने की आदत होती है, अपनी प्रशंसा दूसरों की बुराई, इस ये बड़ा पाप है, इससे दूर रहे। और कथा को सुने, अपने पितरों का भी आवाहन करे और जैसी सामर्थ्य हो वैसा उसमें धन खर्च करे, क्योंकि बच्चों की शादी गरीब के भी होती है और अमीरों की भी होती है। उन्होंने नियम बनाया भगवत प्रेमियों, कथा प्रारंभ भई तो नारद जी महाराज से कही कि नारद जी तुम श्रोताओ, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, तुम्हारे लिए क्या संकल्प करें, क्योंकि भागवत कथा से सब कुछ मिलता है। नारद जी ने कहा मैं तो भक्ति के कल्याण के लिए कर रहा हूं। लेकिन नारद जी बोले मुझे एक थोड़ा सा वहम मन में है, क्या है, सनकादिक ऋषि तुम हरिद्वार में कथा कर रहे हो और मरीज पड़ा हुआ है वृंदावन के अंदर। के हां कोई बात नहीं, ये तो कथा सर्वव्यापक है, इसका लाभ सर्वव्यापक होता है, उनको लाभ मिलेगा। कथा प्रारंभ भई भगवत प्रेमियों, कथा की चर्चा जब सुनी, सभी ऋषिगण आ गए, व्यास जी महाराज आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए, पराशर ऋषि आ गए, गौतम ऋषि आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, दुनिया भर के जितने भी ऋषि थे सब भागे चले आए कथा की चर्चा सुन करके। कथा प्रारंभ भई और कथा के में क्या होता है भगवत प्रेमियों, जैसे ही कथा प्रारंभ भई तो जय जयकार, जय हो जय हो जय हो की आवाज आई, तो झट भई भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी जैसे ही प्रकट भई, भक्ति महारानी ने कही नारद जी तुमने बड़ा उपकार किया, मेरा कल्याण कर दिया, मेरा पहले जैसा स्वरूप मिल गया, मेरे बेटा भी अपनी स्थिति में आ गए, अब ऐसो है मैं बड़ी प्रसन्न हूं, मैं कहां जाऊं। नारद जी बोले तुम हमारे भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो, भक्तों के हृदय में निवास करो तुम। अच्छा, उसी समय भगवान भी प्रकट हो गए, जय जयकार भई, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे इस कथा से बड़े प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। तो सभी ऋषियों ने वरदान ये मांगा कि प्रभु तुम्हें वरदान ये देनो पड़ेगो कि जहां जहां तुम्हारी कथा होगी तुम्हें उस कथा की जगह पर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जहां जहां कथा होगी मैं वहीं पर पधारूंगा। तो भगवत प्रेमियों, कथा के अंदर भगवान आते हैं और भगवान विराजमान हो जाते हैं, जहां जहां कथा होती है वो जगह बड़ी महत्वशाली बन जाती है। देखो गंगा जी में स्नान करना होता है तो हमें गंगा के किनारे जाना पड़ता है, वो कथा रूपी गंगा ऐसी है वो हर जगह प्रकट हो जाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब भक्ति महारानी को कहा कि भक्ति महारानी तुम भक्तों के हृदय में प्रवेश करना, तो जैसे ही भक्ति ने प्रवेश किया सभी नाचने लगे, सब नाचने लगे, नाच नाच करके भगवान ने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मैंने वर दे दिया है कि जहाँ कथा होगी मैं वहाँ आऊँगा। अब भक्ति महारानी से नारद जी ने कहा अरे भक्ति महारानी तुम वृंदावन में थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तो ऋषियों ने कहा भक्ति महारानी जो है ये भागवत के अर्थ से प्रकट हुई है। तो भक्ति महारानी जो है
भागवत कथा के अर्थ से प्रकट हुई। तो अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब ये है, अर्थ का एक मतलब है धन, अर्थ का एक मतलब है भूमि, और अर्थ का मतलब ये होता है कि जैसे ये माइक चल रहा है, ये पंखा चलते हैं, ये लाइट जलती है, बिजली के जितने भी काम होते हैं ना, उसमें दो तार होते हैं। उन दो तारों में क्या होता है? एक में बिजली होती है और एक में बिजली नहीं होती। एक तार में बिजली होती है और एक में बिजली नहीं होती। जिसमें बिजली नहीं होती है उसको कहते हैं अर्थ का तार है, या में अर्थ है। तो बिना अर्थ के कुछ भी नहीं होता है। तो भागवत कथा के अर्थ से आज भक्ति महारानी प्रकट हुई। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, आज की कथा का यही विराम होगा। कल से संगीत भी बजेगा, धूप को भी रोका जाएगा, ये जनरेटर की आवाज हो रही है ये भी शांत करी जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अनुभव होते हैं त्यों त्यों हर वस्तु में सुधार किया जाता है। तीर्थों के अंदर इतनी सुख सुविधा और आराम मिल जाए तो दुनिया तीर्थों में ही आ जाए। तीर्थों में भगवान ने देखो, आपने देखा होगा, यहाँ कहीं भी तुम्हें आम लगते हुए नजर नहीं आएंगे, पेड़ भी मिलेंगे तो कांटेदार, फूल की तो क्या चलाई, पेड़ भी मिलेगा तो कांटेदार। और सुनो, पानी भी मिलेगो ना तो बात ना बाल धो सको ना कपड़ा, खारी। जमीन भी मिलेगी ना तो ऐसी चिकनी के पैर फिसल जाए तो पहुंच गए आगे को, गाड़ी स्लिप हो जाए। तो तीर्थों में तो भगवान ने जानबूझ करके ऐसी विषमता पैदा करी है कि यहाँ तो जो मेरो दीवान हो वो ही आवेगो, या आराम खोरी आदमी ना आवेगो, जहाँ हर चीज को आराम सुख मिले। सुख लेना है अपने घर में रहो, क्योंकि घर के बराबर सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। या तीर्थों में तो विषमता है, और तो और या मच्छरों ज्यादा मिलेंगे, और गोवर्धन महाराज कहते हैं कि आजा और परकम्मा लगा अपने घर को जा, क्योंकि यहां जगह कम है और आने वाले तैयार बैठे। गुरु पूर्णिमा अनेक अवसरों पर यहां पब्लिक इतनी आती है, अगर पब्लिक यहां दो चार दिन भी रुक जाए तो सारा ब्रज जाम हो जाएगा। तो ये भगवान की लीला स्थली है, यहाँ भगवान ने बड़ी बड़ी लीला करी है। कल को समय के अनुसार 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 2 से 6 बजे तक कथा का आयोजन चलेगा। सुबह से हवन पूजा, और कल को जो है सभी भक्तों से निवेदन है कि भक्ति का कार्यक्रम है, आनंद लेने के लिए होली का उत्सव है, जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव इसीलिए मनाए जाते हैं कि हम खुश रहें, इसलिए खुशियां मनाइए और आनंद लीजिए। हमारे तो यही त्योहार हैं और यही हमारे उत्सव हैं, हंसी खुशी सब आनंद लिया जाए। अब सभी खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। आज के दिन में असुविधाएं ज्यादा रही हैं, कल से ये सारी असुविधाएं दूर करी जाएंगी। बोलो श्री नारायण भगवान की।